स्टडियर आईए व्यवसाय के अध्ययन के सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो नंबर 8 होगा, इससे पहले 7 वीडियो चैनल पे अपलोड है। इसका बीएसटी का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है आप उसे ज़रूर देखिए, वहाँ पर डे 1 से स्टार्ट करिए, सारे वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चन देखिए, यही सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है, आपके एग्ज़ाम के लिए सेलेक्टेड है, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। अगर आपने कम्प्लीट इसको कर लिया फिर आपको कहीं भी किसी तरह का कोई गेस पेपर कोई बुक अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप कम्प्लीट करें। अगर आपको मेहनत हमारी पसंद आती है, समझ में आती है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है आप वहां पर शेयर करें वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे तक हमारी मेहनत पहुंच सके। तो शुरू करेंगे आज का जो वीडियो है उसका क्वेश्चन नंबर 60 से शुरू करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन के सीरीज में ये 60 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने कई क्वेश्चन करवाए हैं, मतलब 59 क्वेश्चन करवाया है 7 वीडियो के अंदर, ठीक है। तो 60 नंबर क्वेश्चन ये देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आप इस क्वेश्चन को 5 स्टार मार्क्स दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, औपचारिक संदेश वाहन और अनौपचारिक संदेश वाहन क्या होता है। सबसे पहले संदेश वाहन को समझते हैं, औपचारिक अनौपचारिक बाद में समझेंगे। संदेश वाहन का मतलब ये है कि हम जो कहते हैं दूसरे वाला सुनता है, ठीक है। कुछ बातें इशारों में होती है, कुछ बातें बोलकर होती है, कुछ बातें लिखकर होती है, ये चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। तो संदेश का मतलब ये है कि हम अगर कोई सूचना दूसरों तक पहुँचाते हैं, ठीक है, तो एक जरिया है जिसके जरिए से हम लोग सूचना पहुंचाते हैं और सूचना दूसरों तक पहुंचती है, ठीक है। यहाँ पर एक इमेज आपको दिख रहा होगा, दो इमेज आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये फर्स्ट इमेज आप देख रहे होंगे, ये सेकंड इमेज आप देख रहे होंगे, ठीक है। एक इमेज में एक बॉस कहे अपने किसी क्लाइंट के साथ या किसी के साथ बात कर रहा है, लेकिन आपको देखने से लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये ऑफिशियली बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहा है, ऑफिशियली। तो ये जो साहब बात कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं ऑफिशियली बात कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो बात होती है, जो ऑफिशियली बात होती है, जो काम से रिलेटेड बात होती है, जिसका कोई मतलब होता है, जिसका जिसकी कोई अथॉरिटी होती है, जिस तो इसको हम लोग औपचारिक संदेश कहते हैं। कौन सा संदेश कहते हैं, औपचारिक संदेश कहते हैं, ध्यान से समझना। और यहाँ पर देख रहे हैं एक लड़का, बहुत सारे लोग बैठे हैं, कुछ बातें चल रही है, हंसी मजाक चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बातें हो रही है, बातें यहाँ भी हो रही है, बातें यहाँ भी हो रही है, लेकिन ये क्या है, अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है। यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों फॉर्मल ड्रेस में भी है, फॉर्मल बातें भी हो रही है, कहीं ना कहीं बिजनेस में कहीं ना कहीं कोई मीटिंग चल रहा होगा, कोई डीलिंग चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर लोग फॉर्मल नहीं है, जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। आप शादी ब्याह में जाएंगे वहाँ पर भी बातें होती है, वहाँ पर भी मैसेजेज होती हैं, वहाँ पर भी लोग एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन वो इनफॉर्मल बातें होती है। वहाँ पर बेतरतीब लोग बेतरतीब बातें करते हैं, कहीं से भी बात उठेगी कहीं भी चली जाएगी, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। लेकिन यहाँ पर मान लिया जाए कि ये जो साहब दिख रहे हैं फर्स्ट नंबर, ये हमारे ख्याल से इनसे एज में कम है, लेकिन हो सकता है ये इसके बॉस हों, ठीक है। तो ये इनको सुनना होगा क्योंकि ये अधिकारिक बॉस हैं, ठीक है। इनको इनकी बातें सुननी पड़ेगी, किनकी बातें सुननी पड़ेगी, इनकी बातें इनको सुननी पड़ेगी। अगर मान लिया जाए तो यहाँ पर जो पोस्ट का सीनियरिटी है उस पर भी इसको ध्यान देना पड़ेगा। आपको ये बात समझनी है कि पोस्ट की सीनियरिटी के अनुसार भी हमें चलना पड़ता है, ठीक है। औपचारिक संदेश वाहन, औपचारिक संगठन में जब हम औपचारिक संदेश देते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ काम के लिए देते हैं, आधिकारिक तौर पर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बातें चल रही है वो आधिकारिक नहीं है। वो कहते हैं ना बिना सिर पैर का काम होना या बातें होना, तो इस तरह की बातें अनौपचारिक होती है, ठीक है। अनौपचारिक को हम लोग अनिरुआ कहते हैं, नहीं आपने देखा होगा बहुत सारे गाँव देहात में बहुत सारी पेड़ ऐसी हो जाते हैं जिसको हम लोग अनिरुआ कहते हैं, जिसका कोई माई बाप नहीं होता है, मतलब यह है कि किसी तरह का कोई उसमें किसी ने उसके बारे में कोई मेहनत नहीं किया है, ऐसी हो गया है, ठीक है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो कुछ ऐसे चीज होते हैं जिनको लोग मेहनत से उसको बनाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या है कि कहीं पर अनौपचारिक अगर इनफॉर्मल मीटिंग चल रही है वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बातें हो सकती है, लेकिन अगर फॉर्मल मीटिंग चल रही है, मान लो कि आप कहीं ड्यूटी करते हो, आपके बॉस ने आपको किसी काम के लिए बुलाया है, तो आप ये बात सोच कर मत जाना कि कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर काम की बातें हो सकती है, ठीक है। वो अपने घर का किस्सा आपके साथ पतिया मतलब शेयर करने के लिए नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर काम की बातें होगी। तो आइए समझते हैं औपचारिक संदेश वाहन और अनौपचारिक संदेश वाहन में क्या अंतर है। तो औपचारिक, सबसे पहले एक तरफ मैंने औपचारिक को रखा है, दूसरी तरफ मैंने अनौपचारिक को रखा है। फर्स्ट अंतर देखिएगा, यह आधिकारिक तौर पर आदान प्रदान होता है। औपचारिक का मतलब आधिकारिक तौर पर, ठीक है, पहला समझ गए, आधिकारिक तौर पर आदान प्रदान होता है।
इसका कोई आधिकारिक संबंध नहीं होता, मैंने पहले ही समझा दिया आपको। इसका मार्ग निश्चित होगा, इनका इसको पता है कि इससे यहाँ तक पहुँचना है, बस बॉस ने आपको कहा है, आप सुनिए, काम को फॉलो करिए, बस ये इतना ही होना है। लेकिन अगर अनौपचारिक में किसी को कुछ कह दिया, ठीक है, किसी के बारे में कुछ कह दिए, ऐसी किसी शादी में आपने आप गए, किसी के बारे में कुछ कह दी, वो बातें कहाँ 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 जाएगी ये कहना मुश्किल है। तो इसका मार्ग निश्चित नहीं होता है, अनौपचारिक संदेश वाहन का मार्ग निश्चित नहीं होता है, यह प्रायः लिखित होता है। आमतौर पर जो औपचारिक संदेश वाहन होती है लिखित होती है, चूंकि ऑफिशियली चीज़ आमतौर पर लिखित होगी, मौखिक कम होती है, ठीक है, यह प्रायः मौखिक होती है, अनौपचारिक संदेश वाहन मौखिक होती है। अब यहाँ पर लोग मस्ती कर रहे हैं, इसमें लिख कर तो नहीं पास करेंगे कि आप कुछ कहो, आप कुछ कहो, ऐसा नहीं होता रहता, बात समझ में आ रही। यह संगठन के लक्ष्य से संबंधित होता है, यहाँ पर जो बातें चल रही है कहीं ना कहीं संगठन के लक्ष्य से संबंधित बातें चल रही होंगी, लेकिन यहाँ पर बातें जो चल रही होगी बेतरतीब, इसका कोई संबंध नहीं, व्यक्तिगत संबंध से बातें चल रही होगी, ठीक है, किसी के बारे में कुछ कहा जा रहा होगा, किसी के बारे में अच्छी बातें कही जा रही होगी, किसी के बारे में बुराई कर रहे होंगे लोग, किसी के बारे में कुछ कह रहे होंगे, कुछ कह रहे होंगे, कुछ सुन रहे होंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो औपचारिक संदेश वाहन और अनौपचारिक संदेश वाहन में ये अंतर है, यह आधिकारिक तौर पे होता है और यह इसका कोई आधिकारिक तौर नहीं होता है, इसका मार्ग निश्चित है, किसको कहना है, किसको सुनना है ये पता रहता है, यहाँ पर कौन कहेगा कौन नहीं कहेगा ये कहना मुश्किल है, यह प्रायः लिखित होता है, यह प्रायः मौखिक होता है और इसका उद्देश्य संगठन के लक्ष्य से संबंधित होता है और यह व्यक्तिगत संबंध यहाँ पर रखता है, किसी के बारे में कुछ कहिए यह अनौपचारिक संगठन है, लेकिन अगर आप संगठन के बारे में कुछ कह रहे हैं तो वो औपचारिक है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। बड़ा सिंपल सा आंसर है, नियंत्रण का मतलब यह है कि आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके ऊपर लोड है, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं आनी चाहिए, ठीक है, और उसमें अगर कोई त्रुटि आ रही है तो आप उसे सुधारने का प्रयास करेंगे, तभी तो सक्सेस मिलेगी आपको, ठीक है। अगर अपनी त्रुटियों को आप नहीं सुधारेंगे, अपनी त्रुटियों का पता आप नहीं लगाएंगे, उस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, आप गलत करते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि उस गलत को सुधारने वाला भी कोई नहीं रहेगा, बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो अनौपचारिक नियंत्रण है वो आपकी गलतियों को सुधारने के लिए किया जाता है, ठीक है, आपने जो तय किया है, जो मार्ग आपने तय किया है, जो लक्ष्य आपने बनाया है, जैसे मान लो कि अभी आपको पढ़ाई का लक्ष्य आपने बनाया है, ठीक है, अपने पढ़ाई का लक्ष्य बनाया है, लेकिन अपने समय का सही प्रयोग नहीं करोगे, अपनी पढ़ाई का सही प्रयोग नहीं करोगे, अपनी क्लास का सही प्रयोग नहीं करोगे, ऑनलाइन क्लास आप कर रहे हो, आपके पास मोबाइल है, आपने इस उद्देश्य से मोबाइल लिया है कि आप पढ़ोगे, ऑनलाइन पढ़ोगे, आप मोबाइल से हमारा वीडियो देखोगे, लेकिन उस मोबाइल से अगर गलत मतलब दूसरा वीडियो देखोगे तो आप कैसे सक्सेस होगे, बताओ मुझे, ठीक है। तो अगर कंट्रोल करना है तो आपकी जो लक्ष्य है उस वो सबसे पहले पता होना चाहिए, और उस लक्ष्य में जो जो बाधाएं आ रही है आप उसको दूर करते चले जाओ, ठीक है, दूर करते चले जाओगे, आपकी आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। जैसे आपको ये वीडियो देखनी है, अभी आपका मन कर रहा है कि चलो जो है सो कोई फिल्म हम देख लें, ठीक है, तो उसे दूर करो, क्योंकि वो आपके लक्ष्य में बाधा है, ठीक ना, उसे आप दूर करोगे आपका लक्ष्य मिल जाएगा आपको, लेकिन अगर उसे करीब आने दोगे तो उसका आपका लक्ष्य भटक जाएगा, ठीक है। तो नियंत्रण प्रबंध का अंतिम और महत्वपूर्ण कार्य ये बात आपको पता है, सबसे पहले प्रबंध में क्या होता है, प्लानिंग होती है, ठीक है, फिर क्या होता है, पोस्ट डीसी, आपने पढ़ा होगा पोस्ट डीसी, ठीक है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो सबसे लास्ट कार्य है कंट्रोलिंग। पहला बात तो ये क्लियर हो गया कि प्रबंध क्या है, नियंत्रण प्रबंध का अंतिम एवं महत्वपूर्ण कार्य है, ऊपर में रेप छूट गया है, आप लगा लीजिएगा। यह वास्तविक निष्पादन की तुलना नियोजन निष्पादन से करके, ठीक है, वास्तविक निष्पादन, आपको वास्तविक निष्पादन का मतलब यह है कि जो रिजल्ट मिला है, ठीक है, जो रिजल्ट मिला आपको, जो आपने काम किया, ठीक है, उसमें जो रिजल्ट आपको मिला, मान लो कि एक साल का आपको कुछ टारगेट दिया गया, आपने एक साल के शुरू में, मान लो 2020 के शुरू में 1 जनवरी को आपको कोई टारगेट दिया गया, ये आपका प्लानिंग है, उस टारगेट के अकॉर्डिंग आपने 31 दिसंबर 2020 को आपने जो टारगेट अचीव किया, दोनों में तुलना किया जाएगा। अगर मान लो कि आपको कोई काम 50 काम करने को कहा गया कि जनवरी में, आपने 40
40 ही काम करके दिया दिसंबर तक, तो इसका मतलब यह है कि 10 काम की आपने कहीं ना कहीं त्रुटि कर दी। अब ये कमी कहाँ क्या है उसको सुधारा जाएगा। अगर ये सुधार नहीं होगा तो आने वाले समय में और भी गलतियाँ होंगी और भी टारगेट कमता चला जाएगा और मुश्किलें आपकी बढ़ती चली जाएगी। संगठन की मुश्किलें, संगठन की टारगेट कभी भी पूरी नहीं होंगे। इसलिए जो कमी है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कमी को सुधारना, और ये कमी का पता चलेगा जब हम टारगेट फिक्स करेंगे। तो नियोजन टारगेट फिक्स करता है, मतलब निष्पादन की तुलना वास्तविक निष्पादन। वास्तविक निष्पादन का मतलब जो वास्तविक में काम हुआ, आप लिख सकते हो जो वास्तविक में काम हुआ उसकी तुलना नियोजित निष्पादन, नियोजित मतलब जो हम प्लानिंग किए थे उससे करते हैं, करके पता लगाते हैं और कार्य में किसी तरह की जो त्रुटि आ रही है, ठीक है, तो उसे सुधारने का भरपूर प्रयास करते हैं, उसे सुधारने का भरपूर प्रयास करते हैं ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो आप इसे भी नोट कर लिया जाए। ठीक है, तो आप जो टारगेट बनाते हो, जो आपको सक्सेस प्राप्त करना है, जो आपका परफॉर्मेंस है उसमें आपका परफॉर्मेंस भी ठीक हो, कम से कम खर्च में भी काम हो, शेड्यूल वाइज भी काम हो, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप गलतियों को सुधारिए। ठीक है, छोटी छोटी गलतियों को आप सुधारते चले जाइए। कर्मचारी गलती कर रहे हैं उनको सुधार करिए, आपसे गलती हो रहा है आप सुधार करिए, पैसे में कोई त्रुटि हो रही है उसको सुधार करिए, पैसे का गलत प्रयोग हो रहा है उसको सुधार करिए, संसाधन का गलत प्रयोग हो रहा है उसको सुधार करिए। लेकिन ये पहले आपको पहले वास्तविक निष्पादन आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। आप नियोजन करेंगे उसके बाद वास्तविक निष्पादन क्या मिला, अब दोनों के बीच में तुलना करिए। ठीक है, जो कमी आपको आ रही है उसको सुधारने का प्रयास करिए। बात समझ में आ रही, तो यही आपका नियंत्रण है। तो फटाक से इसको नोट कर लिए और एग्जाम तक इसको रिविजन करते रहिएगा। ठीक है, रिविजन बहुत जरूरी, जितना पढ़ना जरूरी है उससे कई सारे जरूरी है उसका रिविजन समय समय पर करते रहना। ठीक है, वरना इंसान का दिमाग एक जगह नहीं रहता, वो धीरे धीरे दूसरे दिमाग में शिफ्ट हो जाता है, दूसरी चीजों को सोचने लगता है, दूसरी चीजों को करने लगता है, तो ये चीजें आपके दिमाग से बाहर हो जाएगी। आसान से आसान चीज भी आपके दिमाग से बाहर हो सकती है यदि आपने रिवीजन नहीं किया तो। ठीक है, ये रहा 61। अब आइए बजट क्या होता है। आपने सुना होगा भारत सरकार भी बजट पेश करती है। हर वो संगठन जिसे काम करना है, ठीक है, काम करने के लिए पैसे लगते हैं, काम करने के लिए संसाधन लगते हैं, काम करने के लिए मानव लगते हैं, काम करने के लिए मशीन लगते हैं, वो काम जो टारगेट है, जो टारगेट आपने फिक्स किया है अगले साल के लिए, उस टारगेट में कितना खर्च होना है ये आपको पहले फिक्स करना होगा। ठीक है, ये बात भी आपको फिक्स करना पड़ेगा कि आपको आने वाले समय में कितने खर्च होने हैं, कितना आपका मतलब कितना खर्च होना है और ये पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे। एक बजट आप बना देंगे, मतलब कहते हैं कि कमाने से पहले, खर्च करने से पहले कमाना पड़ता है, तो आपको ये बजट बनाना है कि कैसे खर्च करना है। अगर आपका बजट, बजट बहुत जरूरी है, आपने अपने भारत सरकार के, सरकारें भी बजट से ही चलती हैं। ठीक है, हर साल फरवरी के महीने में भारत सरकार बजट बनाती है और उसे पेश करती है लोकसभा में। ठीक है, और बताती है कि मैं आने वाले अगले साल में क्या क्या खर्च करने वाला हूँ, कितना खर्च किस संसाधन पर किस क्षेत्र में होना है। उसी तरीके से एक संस्था भी बजट बनाती है कि मुझे इस साल में इतना टारगेट अचीव कर है, इसके लिए इतना संसाधन की जरूरत है, इतना पैसे की जरूरत है, इतना मानव की जरूरत है, इतना मटेरियल की जरूरत है, इतना वगैरह जितनी भी बहुत सारी चीजें लगती होंगी संस्था में काम करने के लिए। ठीक है, तो बजटीय नियंत्रण क्या होता है, तो अगर आप बजट बना देते हैं, कहने का मतलब यह है कि अगर आप बजट में काम करेंगे तो आपका काम खराब नहीं होगा और आपका काम कंट्रोल में होगा। ठीक है, मतलब आपने अगर बजट बना दिया कि मुझे इतना में ही इतना काम निपटा देना है, ठीक है, तो आप सटीक काम करेंगे। बस समझ में आ रही, सटीक काम करेंगे और आपको पता रहेगा कि मुझे इतना में इतना काम करना है, इतने खर्च में ही इतना अचीवमेंट मुझे ले लेना है। ठीक है, तो आप कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन अगर बजट नहीं बनाया गया और आपको सीधे कह दिया गया कि जो मन में आ रहा है वो करिए, तो आप वो करेंगे जो सबसे हानिकारक होगा। ठीक है, समझ में आ रही। तो बजटीय नियंत्रण ऐसी तकनीक है, आप लिखेंगे बजटीय नियंत्रण ऐसी तकनीक है, यहाँ ऐसी होगा, ऐसी तकनीक है जिसमें व्यावसायिक संस्था के प्रबंध को नीति निर्माण से लेकर नियंत्रण करने तक सभी विधियां सम्मिलित है।
ठीक है, नीति निर्माण से लेकर नियंत्रण करने तक। मैंने क्या कहा आपको, आप जो प्लानिंग करोगे वो कंट्रोलिंग के अकॉर्डिंग करोगे, कंट्रोलिंग प्लानिंग के अकॉर्डिंग होगा कि जितना आपने बजट बनाया है उसी के अकॉर्डिंग काम होता रहना चाहिए। बजट से बाहर होगा फिर मुश्किलें बढ़ती चली जाएगी संस्था की, ठीक है। बजटीय नियंत्रण की रचना प्रबंध की सहायता करने के लिए की जाती है, जो मैनेजमेंट आपका है। अगर मान लो कि बजट नहीं बनाया गया और आपको मैनेजमेंट का जिम्मेदारी दे दिया गया, आप काम कर रहे हो, कभी माल का शॉर्टेज हो रहा है, कभी पैसे का शॉर्टेज हो रहा है, कभी मनुष्य का शॉर्टेज हो रहा है, भाई पागल हो जाएगा आदमी ऐसे में, ठीक है। इसलिए बजट अगर रहता है तो हमको पता रहता है, एक मैनेजर को पता रहता है कि करना कितने में है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। आप एक सिंपल सा समझो ना, आप घर बनाते हो तो पहले अगर आप बिल्डर को कुछ मतलब टारगेट देते हो तो आप आपको आपसे वो पूछता है कि बजट कितने का है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वो आपको मशवरा देगा और आपका काम करेगा, ठीक है। बजट के अकॉर्डिंग ही सारा काम होता है। अगर बजट से बजट को ध्यान में रखकर अगर काम नहीं करोगे, आपके पास पैसे नहीं है, काम में हाथ लगा दिए, फिर आपके साथ मुश्किलें बढ़ती 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 चली जाएगी, ताकि प्रबंध का दायित्व और अधिकार का बंटवारा कर सके, भविष्य के लिए अनुमान और योजनाएं बनाने में सहायता हो सके। बजट निर्माण आपको क्या क्या फायदा होगा, फायदा यह होगा कि आपके प्रबंध के प्रबंधकों को फायदा होगा, प्रबंधकों के अधिकार दायित्व निश्चित रहेंगे, बांटे जा सकते हैं कि भाई आपको इतने में इतना काम करना है, भविष्य के लिए आप अनुमान लगा सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं और अनुमानित और वास्तविक गतिविधियों, परिणामों और विचलनों का विश्लेषण करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। अनुमानित का मतलब यह है कि जो आपका अनुमान है कितने में मुझे करना है और वास्तविक में इतना में नहीं हो सका, तो स्वभाव ये बजट बनाया तब ना आपको पता चल गया कि इतना में नहीं हो सका ये काम, तो हमको कुछ बजट और बढ़ाना होगा, अगले साल जो कमी आई है उसको सुधारना पड़ेगा। और बजट नहीं रहेगा तो कुछ नहीं पता चलेगा, सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी, ठीक है। कोई काम ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से नहीं होगा, आप ये बात समझ लीजिए, ठीक है। तो बजटीय नियंत्रण क्या है, बजटीय नियंत्रण बहुत जरूरी है किसी संस्था के लिए और यह नीति निर्धारण से लेकर नियंत्रण तक काम करता रहता है। जो बजट आपने बनाया उसी में काम करना है शुरू से लेकर अंत तक, उससे बाहर होइएगा परेशानी बढ़ जाएगी, ठीक है, पैसे फिर नहीं आएंगे, बात समझ में आ रही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आप तो इसे फिलहाल नोट कर लें, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन है, नियोजन का कार्य आगे की ओर देखना और नियंत्रण का काम पीछे की ओर देखना। एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि प्लानिंग क्या है, तो ये तो नहीं पूछूंगा कि कल का क्या प्लानिंग है, मैं हमेशा पूछूंगा कि आने वाले कल का क्या प्लानिंग है, ठीक है, या आने वाले पल का क्या प्लानिंग है, अगले पल का क्या प्लानिंग है। पीछे गई चीज़ों का हम प्लानिंग नहीं कर सकते, जैसे 2020 चल रहा है हम 2019 का प्लानिंग नहीं कर सकते, हम प्लानिंग हमेशा करेंगे वो आगे आने वाले समय के लिए करेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम तय करते हैं कि मुझे क्या करना है, जो हमारा परमाप है, परमाप का मतलब जो टारगेट है हमारा, ठीक है, परमाप का मतलब जो एक माप है, जो पैमाना है, जिस टारगेट में मुझे काम करना है, फिर हमें पलट के देखना पड़ेगा, है ना। जब मेरा साल खत्म होगा, होने वाला होगा, हमें बार बार पलट के देखना भी है कि मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो हमने 1 जनवरी 2019 को तय किया था कि मुझे इतना काम करना है, जो 1 जनवरी, मान लो कि 2020 चल रहा है, 1 जनवरी 2020 में जो मैंने तय किया कि मुझे ये काम करना है, तो हमें देखना भी होगा, जब मेरा काम कुछ कुछ होता रहेगा तो मुझे देखना भी पड़ेगा कि वो टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। जो टारगेट हमारा 1 जनवरी तय हुआ, वो हर पल हर स्टेज में 2 जनवरी को देखना पड़ेगा कि 1 जनवरी का काम हुआ कि नहीं हुआ, 3 जनवरी को देखना पड़ेगा कि 1 जनवरी का काम हुआ कि नहीं हुआ। जो टारगेट मेरा जो फिक्स हुआ, जो गोल फिक्स हुआ, उसको बार बार देखना है पीछे पलट पलट कर कि भाई मेरा काम हो रहा है। और देखने वाला जो काम है वो नियंत्रण कहलाता है। जो गलती को सुधारता है उसको क्या कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं। जो काम देता है उसको क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं, ठीक है। तो जो नियोजन है मेरे प्यारे बच्चों, जो नियोजन है मेरे प्यारे बच्चों, वो आगे की ओर जाता है और जो कंट्रोल है वो पीछे देखता रहता है कि भाई मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, बताओ मेरा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कहेगा नहीं, हाँ हाँ सर आपने प्लानिंग तो बता दिया, वो काम हो रहा है, क्या दिक्कत है आपको, है ना, हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर सर मुझे ये परेशानी आ रही है, तो ये कंट्रोल करेगा उस चीज़ को, बस समझ में आ रही। तो कंट्रोलिंग क्या है, वो प्रबंध का एक तो दूसरी बात यह है कि प्रबंध का ये अंतिम कार्य है कंट्रोलिंग, और प्लानिंग प्रबंध का पहला प्रथम कार्य है, फर्स्ट वर्क है, है ना, बात समझ में आ रही। तो पहला काम प्लानिंग है और अंतिम काम आपका क्या है, कंट्रोलिंग है, ठीक है। अब दोनों के बीच में बहुत सारे काम हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा
जो जरूरी है वो सबसे पहले प्लानिंग है, दूसरा जरूरी है कि इस प्लानिंग को अचीव करवाना है, ठीक है। तो ये पीछे पलट कर देखेगा, और इसका काम है आगे चलना, इसका काम है कि इसको आगे लेकर आना, ठीक है। पलट के देखना कि भाई आगे आ रहा है काम कि नहीं आ रहा है, मेरा प्लानिंग अचीव हो रहा है कि, जैसे ही ये प्लानिंग कंप्लीट होकर यहाँ आएगा तो हम तुलना करेंगे प्लानिंग और जो वास्तविक हमको अचीवमेंट हुआ, और जो हमारा अचीवमेंट करवाना था, जो प्लानिंग था, उसमें क्या त्रुटि आई, क्या बीच बीच में भी चेक करेंगे, क्या गलती हो रही है, उसको सुधारने का भरपूर प्रयास करेंगे ताकि गलतियां कम से कम हो और ना से ना हो, ठीक है। बात समझ में आ रही। अब इसको पढ़ते हैं। नियोजन भविष्य की तरफ देखने का काम करता है, सिंपल सी बात है। और नियंत्रण पीछे की ओर देखकर क्रियाओं का अवलोकन करता है। अवलोकन करने का मतलब देखता है और चेक करता है, जांच करता है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ठीक है। नियोजन भविष्य के लिए ही किया जाता है, नियोजन भविष्य के लिए किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसका आधार भविष्य के लिए भविष्यवाणी करना है। हाँ, मुझे भविष्यवाणी करना है कि ये करना है, ये होगा, ऐसे होगा, ठीक है, वैसे होगा। अतः नियोजन में आगे देखना का काम किया जाता है, करता है। लेकिन नियंत्रण भूतपूर्व क्रियाओं का जांच पड़ताल है। अब काम जब खत्म हो जाती है ना, एक दिन, दो दिन, साल भर का, तो हम चेक करते हैं कि काम हुआ कि नहीं हुआ। काम हुआ कि नहीं हुआ, किसी काम में कोई गलती तो नहीं आ रही है, किसी काम में कोई परेशानी तो नहीं आ रहा है, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। हम उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इस बात का पता लगाता है कि किए गए कार्य में कहाँ कमी रह गई, और अगर किसी तरह की कमी हो तो उसे सुधारने का भरपूर प्रयास किया जाता है, ठीक है। कंट्रोलिंग का काम क्या है कि भाई, नियोजन का काम क्या है कि हम करेंगे, इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। कंट्रोल का क्या काम है कि वो उसके अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए, जहाँ गलती हो रही है उसको सुधारने का प्रयास हम करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लें या स्क्रीन शॉट ले लें, और एग्जाम तक इसे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। एग्जाम तक इसे बनाते रहेंगे, हर हाल में किसी तरह की रिविजन करते रहेंगे इसका, ठीक है। अपवाद द्वारा नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, अर्थात अपवाद द्वारा प्रबंध नियंत्रण प्रक्रिया में किस प्रकार सहायता करता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि वो छोटी छोटी चीजें होती है जिसको हम लोग माइनर मिस्टेक कहते हैं, उसके लिए हम पूरे संस्था को बर्बाद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज कर लो कि आपके बाइक में अगर एक नट खराब हो गया है, तो उसके लिए आप पूरा बाइक थोड़ी बेच दोगे, उसको ठीक करवाओ, ठीक है। बात समझ में आ रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बिना भी चलता रहता है, थोड़ी बहुत तो परेशानी हर जगह होगी, ठीक है। अब उसी थोड़ी थोड़ी के लिए हम बहुत परेशान हो जाएं और हम जान लेने पर उतारू हो जाए, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा संदेश नहीं है बिजनेस के लिए। तो हम कंट्रोलिंग करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कंट्रोलिंग करेंगे, जो महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है, छोटे मोटे मिस्टेक है। अब देखो साहब, बहुत सारी मिठाई बना रहे हैं, आपको भी मन कर रहा होगा खाने का, खाइए। एक आध मिठाई खराब भी हो जाएगा तो उसकी जान ले लोगे, बताओ मुझे, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो यदि महत्वपूर्ण बिंदुओं की पहचान कर ली जाए और इन बिंदुओं पर प्रबंध का ध्यान केंद्रित किया जाए, आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि ज्यादा जरूरी क्या, और शेष बिंदुओं को छोड़ दिया जाए, है ना। जो अननेसेसरी फालतू की चीजें, उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो प्रभावी नियंत्रण की स्थापना की जा सकती है, ठीक है। बहुत सारी चीजें फालतू फालतू होती है, उस पर ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। अब जैसे देश चलाने की बात है, तो बहुत सारी चीज़ देश में फालतू भी होती है, ठीक है। देश का जो विकास होना है, शिक्षा से विकास होना है, ठीक है, उस पर ध्यान ज़्यादा लगाना होना होगा, ठीक है। देश का विकास आर्थिक अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने से होना है, उस पर ध्यान ज़्यादा लगाना पड़ेगा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर संस्था में, किसी संस्था में बहुत सारी बातें हैं, उसमें से मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि जो अपवाद है उसको छोड़ दिया जाए, ठीक है। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? बहुत आप इंग्लिश में ज्यादातर पर इस शब्द को देखते होंगे कि चलो ये सब फॉर्मूला है, टीचर ने पढ़ा, ये सब फॉर्मूला है, ये सब इस फॉर्मूले पे चलेगा, लेकिन एक अपवाद भी है, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो अपवाद पर ज्यादा ना ध्यान देकर हमें जो सटीक चीजें हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अपवाद तो आते ही रहेंगे, ठीक है, हर चीज परफेक्ट नहीं होती, उसमें अपवाद आएगा ही, ठीक है, समझ गए। जैसे हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ कमी तो रहती है। अब उस कमी के लिए उसको हैवान तो नहीं कह सकते, वो इंसान ही है, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी काम अगर होता है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो सही चीज़ें हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी है,
उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इन बिंदुओं पर प्रबंध का ध्यान केंद्रित किया जाए और शेष बिंदुओं को छोड़ दिया जाए तो प्रभावी नियंत्रण की स्थापना की जा सकती है। इसे ही अपवाद द्वारा नियंत्रण कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और पढ़ते रहिए एग्जाम तक, क्लियर। और बार बार इस वीडियो को देखिए एग्जाम तक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक प्रयास सभी को नियंत्रित करने का। हम बहुत प्रयास करते हैं कि सब काम ठीक से हो, लेकिन अंत में कुछ भी नियंत्रण नहीं हो पाता है। समझाइए कैसे। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है, मैंने कहा ना कि अपवाद को छोड़ देना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वही अपवाद हमारे लिए नुकसानदेह बन जाता है। वही अपवाद हमारे लिए, मतलब वो कहते ना, जान का जंजाल बन जाता है, ठीक है। वही काम, वही अपवाद हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, ठीक है, राइट ना। छोटे से जख्म भी कभी कभी नासूर हो जाते हैं, ठीक है, वही बात है। तो एक प्रयास जो नियंत्रित करने का, ठीक है, सभी को नियंत्रित करना है, सब चीज़ को, एवरीथिंग को हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अंत में क्या होता है कि कभी कभी, अक्सर ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी कुछ भी नियंत्रित, सारा काम बर्बाद हो जाता है, ठीक है। अब इसको पढ़िए कैसे। प्रायः नाजुक और महत्वपूर्ण बिंदुओं की पहचान कर ली जाती है, जो ज़्यादा जरूरी है। मैंने आपको क्या कहा, जो ज़्यादा जरूरी है उस बिंदुओं को हम लोग पहचान लेते हैं कि हाँ ये ज़्यादा जरूरी है, इसमें काम करेंगे। इन बिंदुओं पर प्रबंध का पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया जाता है और शेष बिंदुओं को छोड़ दिया जाता है। मैंने जैसे कहा कि आप बात को आप छोड़ दीजिए, लेकिन प्रबंधकों को अस्वीकार्य योग्य विचलन या आपातकालीन परिस्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप हमेशा के लिए उसको छोड़ दीजिए, फाइनली आप छोड़ ही दीजिए, नहीं, आपको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको ध्यान में रखना भी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में ही नियंत्रण की आवश्यकता उत्पन्न होती है। जहाँ पर ज़्यादा अपवाद आ जाते हैं, कभी कभी वही मुश्किल खड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझने में आना चाहिए, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए और इसको एग्जाम तक रिवीजन करते रहिएगा और पढ़ते रहिए, ठीक है, कंटिन्यू। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजटीय नियंत्रण का क्या फ़ायदा है? आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बजट बनाने से आपको बहुत सारे फायदे हैं, कि आपका आप काम सिस्टमेटिक ढंग से होगा, आपको पता रहेगा कि मुझे इतने दायरे में इतना काम करना है ना। वो चादर से ज़्यादा आपको पाँव, आपका जो पैर है वो फैलेगा नहीं, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। तो बजट समझना है, इसके महत्वपूर्ण लाभ है, समझिएगा इसको, ठीक है। पहला है बजट परमाप प्रदान करना है, करता है। परमाप का मतलब टारगेट प्रदान करता है, ठीक है, वो बता देता है कि ये करना है आपको, जिसके माध्यम से वास्तविक कार्यों का मूल्यांकन किया जा सकता है। हम पता कर सकते हैं कि मेरा जो टारगेट था वास्तविक कार्य हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ। इससे सुधारात्मक कार्रवाई में सहायता मिलती है कि हाँ भाई, मेरा बजट 50,000 का था लेकिन काम 60,000 में हुआ, तो भाई ये 10,000 कहाँ से बढ़ गए, ठीक है, कैसे बढ़ गए, अब इस पर सुधार किया जाएगा, ठीक है, कि आपको 60,000 50,000 में ही काम कहे थे करने के लिए और 60,000 आप लगा दिए, भाई ये आपका परमाप है, 50,000 क्या है आपका परमाप है और ये 60,000 क्या है वास्तविक वास्तविक कार्य है, ठीक है, बस समझ पा रही। तो ये जो 10,000 की जो कमी वृद्धि हो गई खर्च में, इस पर कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है, इसको सुधारा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, आगे बढ़े। अगला है बजट समन्वय का महत्वपूर्ण साधन है। समन्वय का मतलब तालमेल बना रहेगा, कोई उथल पुथल संस्था में नहीं होगा, आपको पता रहेगा कि करना क्या है, ठीक है, किस तरह करना है, कितने में करना है, पता रहेगा, ठीक है। विभिन्न बजटों को तैयार करने में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के ज्ञान और अनुभवों की आवश्यकता होती है और इसके बाद ही बजट का ठोस परिणाम रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे सभी विभागों में समन्वय बना रहता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखना है तीसरा पॉइंट क्या कहता है, कि बजट से साधनों की कम बर्बादी होती है। अगर आपने बजट बना रखा है तो उसी बजट में होना है, उसी दायरे में होना है, तो बर्बादी कम होती है, ठीक है, साधनों की। इसका प्रयोग भी उत्पादकीय क्रियाओं में ही किया जा सकता है। बजट का उत्पादकीय क्रियाओं में हम लोग कर सकते हैं कि हाँ, जहाँ उत्पादन होती है वहाँ पर संसाधनों की बर्बादी निश्चित तौर पर होती है थोड़ी बहुत, लेकिन अगर हम दायरे में काम करेंगे, बजट में काम करेंगे, मुझे इतने में काम करना है ये मुझे पता रहेगा, तो फिर बर्बादी कम होगी और हमें अच्छे से काम करने में भी मज़ा आएगा और टारगेट अचीव भी होगा, ढंग से होगा, ठीक है। तो ये बजट के लाभ हो गए। बजट परमाप प्रदान करता है, आप
मतलब आपको पता रहता है कि आपको क्या करना है, फिर आपका वास्तविक मूल्यांकन क्या हुआ, काम कैसे कितना हुआ और उसमें जो सुधार कर सकते हैं, बजट रहेगा तब सुधार कर सकते हैं। आपको पता रहना चाहिए कि आपको कितने में कितना करना है, ठीक है, यही ये आधार है, ये रहेगा तब सुधार होगा, ठीक है, आपको तब पता चलेगा कि हाँ इतना में तय किए थे, इतना में नहीं हुआ, ठीक है। अब जब तय ही नहीं करेंगे और काम होगा तो कैसे पता चलेगा कि कितना में होना था कितना में नहीं हुआ, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आप समझते हैं कि आपको क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नियंत्रण की सीमाओं को बताइए। एक्चुअली जब आप नियंत्रण करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, तो नियंत्रण में क्या होता है कि तो हम गलतियों को सुधार लेते हैं, ठीक है, नियंत्रण में गलतियों को सुधार लेते हैं, ठीक है, सुधारने का प्रयास करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो कर्मचारी जो उधर से हमने तय किया था वो प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हमारी प्लानिंग ही बेहतर नहीं होती। हम क्या कहना चाहते हैं आपको कि जो प्लानिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग होती है, ठीक है। अब प्लानिंग ही कई बार बेहतर ना हो तो कंट्रोलिंग आप कैसे करेंगे, आपको खुद नहीं पता है कि करना क्या था, तो फिर आप कैसे पता करेंगे कि भाई कितना होना था कितना में नहीं हुआ, ठीक है, कैसे पता करेंगे, ठीक है, नहीं पता कर पाएंगे ना। आप सोचिए बात को, तो ये सीमाओं का क्या मतलब होता है, नियंत्रण की सीमा का क्या मतलब है, कंट्रोलिंग में क्या दिक्कत है, आप ऐसे समझिए कंट्रोलिंग में क्या दिक्कत है, क्या क्या दिक्कतें आती है, क्या क्या परेशानी कंट्रोलिंग में आती है ना, जो बात समझ पा रही है। तो पहली बात तो यह है कि परमापों के निर्धारण में कठिनाई होती है, कई बार आपके टारगेट भी निर्धारण में कठिन, परमाप का मतलब टारगेट, कई बार आपको अपने टारगेट का ही पता नहीं रहता है, ठीक है, कि आपको करना क्या है, कितना अचीव करना है। जैसे आपको खुद टारगेट का पता नहीं है कि आपको 80% चाहिए, 90% चाहिए या 100% चाहिए, ठीक है। मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक टारगेट बनाओगे ना, मुझे 70% कम से कम चाहिए, ठीक है। अब अगर 70% ये आपका टारगेट हो गया, अब अगर आपके एग्जाम में 70% अचीव नहीं होता है मान लो, तो आपको ये तो पता चलेगा कि 70% अचीव क्यों नहीं हुआ, तो मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया, इसीलिए मेरा 70% अचीव नहीं हुआ इतने क्वेश्चन की वजह से, ठीक है। अब अगर फिर से आपको ये काम करना है तो अब तो गलती नहीं होगी, क्योंकि आपने आपको पता था कि मेरा ये गलत हुआ, अब उनको सुधार लेंगे तो स्वाभाविक तौर पर गलतियां नहीं होंगी, ये बात है, ठीक है। तो परमाप के निर्धारण में कई बार कठिनाई होती है, नियंत्रण के लिए परमापों का निर्धारण करना पड़ता है, ठीक है, नियंत्रण तभी होगा जब टारगेट होगा, ठीक है। बहुत ऐसी चीजें हैं जिसका परमाप तैयार नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बस समझ में आ रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका परमाप आप टारगेट नहीं बना सकते। जैसे हमने टारगेट बना कर दिया किसी कर्मचारी को कि इतना हमें इतना काम करना है आपको, ठीक है, और इतना देना है, अब उसकी ईमानदारी का हम टारगेट कैसे बनाएं कि वो कितना ईमानदार है और कितनी ईमानदारी से वो कर पाएगा। मान लो हो सकता है वो चोर ही निकल जाए, हो सकता है वो धोखा दे जाए, बात समझ में आ रही है। तो कुछ चीजें ऐसे हैं जिसका टारगेट हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो इसको याद करिएगा। दूसरा है कर्मचारी की तरफ से विरोध हमेशा। अब आप ही सोचिए ना, आपके पिताजी आप पे कंट्रोल करते हैं, आपको गलत चीजों से रोकते होंगे, आपको गुस्सा आता होगा, इतना गुस्सा आता होगा कि इसका तो मतलब खून ही कर दे इसका, ठीक है। तो इसी तरीके से, लेकिन वो तो करते हैं आपकी भलाई के लिए, कंट्रोलिंग हमेशा कर्मचारियों की भलाइयों के लिए ही होती है, ठीक है, लेकिन कर्मचारी को ये अच्छा नहीं लगता है, वो हमेशा कंट्रोलिंग का विरोध करते हैं, तो ये भी कंट्रोलिंग में परेशानी है, भाई हम अच्छे के लिए कर रहे हैं और तुमको बुरा लग रहा है, ठीक है। वे इसे पराया अपनी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध समझते हैं। आपके पिताजी आपको कुछ कहते होंगे तो आपको ये महसूस होता होगा कि ये तो हमें बांध कर रखना चाहते हैं, है ना, हमें घूमने नहीं देते हैं, हमें दोस्तों के साथ जाने नहीं दे रहे हैं। उसी तरीके से कर्मचारियों को भी फील होता है कि ऐसा है कि ये कंट्रोलिंग मुझ पर जो किया जा रहा है, ये मैं स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। बाहरी तत्वों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, आप खुद पर नियंत्रित कर सकते हैं, ग्राहक पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। मान लो कि अभी आपने बहुत अच्छा सामान बनाया है, ठीक है, लेकिन सरकार कह दे नहीं बेचना है, क्या करोगे आप, ठीक है, कस्टमर नहीं खरीदे, क्या कर लोगे आप, कानून मना कर दे, क्या कर लोगे आप, प्रतियोगी आपसे बेहतर बना देगा, क्या कर लोगे आप, ठीक है। तो आप अपने आप पे नियंत्रण कर सकते हो, लेकिन ग्राहक पे, सरकार पे, कानून पे, प्रतियोगी पे थोड़ी ना नियंत्रण कर सकते हो। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आप इसे भी 5 स्टार मार्क्स दीजिए और इसको याद करते रहिएगा और समझते रहिएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। चलिए,
तो बहुत बहुत शुक्रिया आप चैनल से जुड़ने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। बाय, टेक केयर।